नशे की हालत में आर्मी के जवान ने एक्टिवा चालक को मारी टक्कर। घायल युवक को पहुंचाया JLN अस्पताल। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जवान को लिया हिरासत में। आज पुरानी RPSC के पास नशे की हालत में आर्मी के जवान ने एक एक्टिवा चालक को टक्कर मार दी, जिसके बाद एक्टिवा चालक मौके पर घायल हो गया और उसके दोनों घुटने छिल गए, जिसके बाद भीड़ में से कुछ लोगों ने उसे JLN अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जवान को हिरासत में लिया। इस मामले में पुलिस द्वारा जवान से पूछताछ की जा रही है। एक्टिवा गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मेरा भाई असद अली जो आगे से आ रहा था, उसको गाड़ी है उसको आगे से टक्कर मार दी। उसके टक्कर में जो गाड़ी उसकी आगे जाकर उछल गई। बाकी मैंने देखा नहीं है, मैं तो देखे तरफ था, लेकिन कुछ लोग मुझे इन्फॉर्म करके बता रहे थे कि गाड़ी के अपने भाई के एक्सीडेंट हो गया है। जो मैंने जाकर देखा तो गाड़ी पूरी टू व्हीलर्स की थी, जो रेड कलर की, वो पूरी पिचकी हुई मिली। तो फिर मैंने भाई को देखा तो भाई तो मेरे को दिखा नहीं और बताया नहीं। और जैसे उसके लोगों को पता है, उसके घुटने दो जो घुटने हैं दोनों घुटने छिल चुके हैं और हाथ में जो है उसके हाथ में कुछ ज़्यादा लग चुके हैं, निशान भी लगा है। मारने वाले कोई लोग बता रहे हैं कि जिप्सी थी, जो आर्मी वाला है ये को नहीं, अब तो मुझे देखा नहीं। हाँ वो बोलते रहे कि वो फुल नशे में था। वो ये पुरानी ओल्ड RPSC के सामने ही घटना है। और भाई की स्थिति क्या है? बाइक की स्थिति अभी थोड़ी ठीक है, सही है वैसे तो, लेकिन हाँ अभी फर्स्ट एड करने के लिए लेके गए हैं लोग। बाहर गाड़ी पूरी ऑन द स्पॉट ख़त्म ही हो गई। पुलिस आई थी वेरिफिकेशन करके चल गई। आपका नाम? मेरा नाम जावेद अली। क्या रखते हो? उनका भाई हूँ।